दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ग्रुप बी के स्टूडेंट के लिए बात करें तो एक सब्जेक्ट आता है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सब्जेक्ट अपने आप में बहुत कठिन सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लाया गया है। जैसे इसमें आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। और इन दोनों सब्जेक्ट को मिला करके एक अलग से सब्जेक्ट आपका बनाया गया फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें आपके टोटल चैप्टर्स बताएंगे आज के इस वीडियो में और क्या क्या पढ़ना है ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सको, इसके बारे में डिस्कस होगा। बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस होगी दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि ग्रुप बी के जितने स्टूडेंट हैं वो सभी लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके डायरेक्टली आप क्रैश कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 299 की फीस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी के लिए, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं तो टोटल आपके 6 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आपके जो टोटल चैप्टर पढ़ना है दोस्तों ये टोटल आपके 6 चैप्टर पढ़ने हैं, और इस 6 चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट एंड सिग्नल, मतलब कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ठीक है। इसके अलावा जितने आपके पास एक्टिव डिवाइसेस हैं, जितने आपके पास पैसिव डिवाइसेस हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह, सब कुछ आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट में, ठीक है। और वो कैसे बिहेव करते हैं इसके बारे में भी आपको स्टडी करनी है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करें तो टोटल कंप्लीट आपको ओपैम्प पढ़ना है, जिसमें आपके जितने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, उसका आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, कैसे वर्क करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है इसके बारे में भी टोटल चीजें पढ़नी है। ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट में, मतलब जो पहले चैप्टर में आपने बेसिक पढ़ा है ना, उसी के कंपोनेंट का इस्तेमाल करके जो हम सर्किट बनाते हैं उस सभी सर्किट के बारे में आपको स्टडी करना है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट में, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल सर्किट की अगर हम बात करें दोस्तों, जो डिजिटल सर्किट में जो आपको पढ़ना है वो है आपका सबसे अधिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट आपको पढ़ना है, लॉजिक गेट के बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। लॉजिक गेट किसे कहते हैं, कैसे होता है लॉजिक गेट, आपका वर्क कैसे करता है लॉजिक गेट, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सारे कन्वर्जन्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसके बेसिक लेवल को ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बताएं आपको तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। मैग्नेटिक सर्किट आपको स्टडी इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसी सब्जेक्ट में आपको लास्ट में एक चैप्टर दिखेगा आपके पास ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन। तो ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन वाला जो दोस्तों आपके पास चैप्टर निकल के आता है, इसको पढ़ने के लिए आपके पास मैग्नेटिक सर्किट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास मैग्नेटिक सर्किट का नॉलेज है तो आप इस चैप्टर को आसानी के साथ समझ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में पूरा आपको ये जानना है कि अगर एसी सिग्नल हम किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर लगाते हैं तो क्या नेचर आता है आपका करंट और वोल्टेज का, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस लगाते हैं तो क्या होता है, एसी थ्योरी से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह सारी चीजें पढ़ना है आपको। इसके अलावा रेजोनेंस के बारे में आपको पूरा स्टडी होनी चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों आपको पढ़नी है एसी थ्योरी में, ठीक है। तो ये जो आपका है ये टोटल 6 चैप्टर है जो आपके दोस्तों ये पढ़ने हैं, और अपने आप में यह 6 चैप्टर जो है अपने आप में मतलब बेहतरीन है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन समय लगेगा थोड़ा, अच्छे से इसको पढ़िएगा क्योंकि इसमें इस सब्जेक्ट में ज्यादा स्टूडेंट का बैक लगता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।